जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉलेज अपडेट में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ 2020 के लिए। जिन भी साथियों ने फिजिकल क्वालिफाई कर रखा है, उन लोगों का रिटर्न एग्जाम की बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2020 में ये वैकेंसी आई थी, ऑफलाइन अप्लाई किया गया था। इस वैकेंसी को 789 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। इसमें आपका ASI, SI और नर्स एंड हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पोस्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर रखा है। तो गाइज, यहाँ पे आज जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, उस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे आज हम ट्रेड्समैन यानी कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो भी वैकेंसी है उन लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। सो गाइज, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका एग्जाम कब से होने वाला है। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जिन भी साथियों को इसकी आवश्यकता होगी प्रैक्टिस सेट की, तो उन लोगों को भी ये प्रैक्टिस सेट मिल जाए। तो आपको बताते हैं, जो फर्स्ट आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे लोगों ने DM कर रखा था, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर एग्जाम का डेट कब से हो रहा है। तो आपका जो एग्जाम का डेट आपका जो है, ये कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं आई है और कोई भी अपडेट अभी एग्जाम डेट को लेकर के नहीं मिला है। सो आप लोग जो भी YouTube पे वीडियो बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी फेक बनाए जा रहे हैं, कोई भी जानकारी अभी नहीं मिली ऑफिशियल। तो आप लोग परेशान मत होइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है एग्जाम डेट को लेकर, तो इस पे वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी इस चैनल पे। सो आइए, आपका प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, भाग फर्स्ट में जो 40 अंक का आपका होगा, और यदि आपने जो सेकंड का जो पार्ट होता है, भाग सेकंड जो आपका होता है यहाँ पे, वो आपका ट्रेड टेस्ट, जैसे कि आपने कुक के लिए अप्लाई कर लिया है तो कुक ट्रेड से पूछा जाएगा। आपने सफाई कर्मचारी के लिए अप्लाई किया है तो आपका जो भाग सेकेंड रहता है, वो आपका जो 40 या 50 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके ट्रेड टेस्ट से पूछे जाते हैं। सो आइए आपको बताते हैं आगे किस प्रकार की क्वेश्चन आपके सीरीज में आती है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पे भाग फर्स्ट में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक अंक का होगा, यानी कि आपका भाग फर्स्ट जो है 40 अंक का होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, निर्देश पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 1 से 2 में दिए गए विकल्पों में से संबंध, यानी आपको संबंध ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है आपका, आदमी का संबंध चिल्लाना से है, तो पक्षी का संबंध आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हो। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका, वो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आदमी चिल्लाता है वैसे पक्षी चींची करती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका सेकेंड नंबर में दिया गया है, रेलगाड़ी का संबंध प्लेटफार्म से है, उसी प्रकार जहाज का संबंध यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया आपका फर्स्ट साई का, ऑप्शन सेकेंड दिया गया है किनारा, ऑप्शन सी समुद्र दिया गया है, ऑप्शन डी बालू तट दिया गया है। और जो आपका जहाज खड़ा होता है, जैसे कि रेलगाड़ी आपके प्लेटफार्म पे खड़ा होती है, वैसे ही जहाज आपका किनारे पे खड़ा होता है। तो आपको 3 और 4 वाले क्वेश्चन पे अब आते हैं, नंबर 3 क्वेश्चन पे। तो नंबर 3 क्वेश्चन में जो आपका है, 3 और 4 में आपको भिन्न यहाँ पे ढूंढना है। 3 ऑप्शन जो है सेम है और एक यहाँ पे भिन्न होगा। तो 3 में आपका जैसे ऑप्शन दिया गया, हाथी, दरियाई घोड़ा, जिराफ और बाघ। तो यहाँ पे जो आपका दरियाई घोड़ा होगा ये अलग हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। और गाइस, यहाँ पे बात करें आगे में, तो यहाँ पे बंद गोभी, बैगन, आम और प्याज दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पे बता दें, तीनों जो ऑप्शन सी के अलावा, आम के अलावा जो तीनों आपको ऑप्शन दिया गया है, ये तीनों सब्जी में आते हैं और आम आपका फ्रूट्स में आता है, फल में आता है। आगे आपको दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से 5वें नंबर क्वेश्चन से आपको दिया गया है, शब्दों का सार्थक क्रम यहाँ पर ढूंढना है। तो सार्थक क्रम में जैसा कि आपको यहाँ पे 1 दिया गया है, पेट, दांत, कंठ, जीवा, यानी कि जो आपका सबसे पहले आता है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले आपका जो है दांत आता है, यानी कि सेकंड हो जाएगा आपका, और उसके बाद आपका जीवा आती है, यानी कि 2 और 4। तो 2 और 4 आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 2 और 4 आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपका क्या आता है, कंठ, यानी कि आपका कर्ण जो है, कान आपका आता है, उसके बाद आपका पेट आता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और आगे आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए आना, तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे कुछ आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहाँ पे दिया गया AABB, यहाँ पे अक्षरों का समूह, रीजनिंग का क्वेश्चन आपको फिलअप करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा AB। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया AB और यहाँ पे दिया गया ABB, यानी कि AB के बाद फिर B आ रहा है, यानी कि AB के बाद यहाँ पे B आएगा आपका, उसके बाद आपका फिर A आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर A को फिलअप करके देखा जाए, पहले B आ गया, फिर आपका A एंड फिर आपका यहाँ पे भी BB के बाद A आएगा, फिर और आपका B यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको उसी प्रकार से जो अगला क्रम है उसको चूज करना है। तो आपको अगला क्रम यहाँ पे आपको दिखा दें, तो
तो आपको अगला क्रम जो है यहाँ पे दिया गया है अनुक्रम को पूरा करेगा। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 यहाँ पे हो रहा है 12, और 6 चौका 24 यहाँ पे हो जा रहा है, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद आपका 3 का गैप दिया गया है, जैसे कि मान लो 6 4 के बाद आपका सीधे 7 से मल्टीप्लाई किया गया, उसके बाद फिर आपका 7 के बाद 4 का गैप किया गया, यानी कि 11 से 6 में मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसी प्रकार आपका जो आगे का टर्म होगा इसमें आपका क्या होगा कि आपका जो टर्म यहाँ पे आने वाली है उसमें आपका 5 का मल्टीप्लाई होगा, 5 का गैप किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 7 के बाद 4 जोड़ के 11 हुआ था, 11 का गैप यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई हुआ था 6 से, उसी प्रकार यहाँ पे जो आपका इसी प्रकार यहाँ पे आपका गाइस जो होने वाला है यानी कि नेक्स्ट आपका 16, यानी कि 11 में 5 आपको जोड़ना है, यानी कि 11 में आप 5 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करना है आपको 6 में। तो यानी कि 6 का मल्टीप्लाई जब आप 16 में करने वाले हो तो आपका यहाँ पे 96 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, आपका क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या, यानी कि पहले जो 3 यहाँ पे दिया गया, जैसे कि यहाँ पे 3 दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है कितने 3 यहाँ पे हैं जिसके पहले विषम संख्या आया है और उसके बाद में 3 क्या आपका सम संख्या आया है। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट वाले में यहाँ पे पहले विषम संख्या दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पे सम संख्या है, 1 विषम संख्या हो गया और आपका 2 सम संख्या हो गया, यानी कि 3 के पहले यहाँ पे विषम संख्या दिया गया है और 3 के बाद में यहाँ पे सम संख्या दिया गया। इसी प्रकार आपको देखना है, तो यहाँ पे आप आओगे सेकेंड वाले पे 3 पे, तो सेकेंड वाले 3 पे आपका यहाँ पे दोनों ही सम संख्याएं हैं तो ये नहीं होगा। तो आगे वाले पे भी आते हैं तो आगे वाले पे भी दोनों सम संख्याएं हैं, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वाले 3 पे आते हैं तो नेक्स्ट वाले 3 पे यहाँ पे आपका पहले 5 दिया गया, यानी कि पहले विषम संख्या उसके बाद सम संख्या, यानी कि 2 हमारे 3 हो गए। और उसके बाद नेक्स्ट वाले 3 पे आप आओगे तो यहाँ पे भी आपका पहले विषम संख्या दिया गया है और 3 के जस्ट बाद में यहाँ पे आपका 6 दिया गया, यानी कि 6 यहाँ पे सम संख्या है और 3 के पहले 7, यानी कि ये विषम संख्या है। यहाँ पे आपका 3 3 हो गया जिसके पीछे पहले सम विषम संख्या और सेकेंड में सम संख्या दी गई है। नेक्स्ट वाले पे जैसे ही हम आते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 यहाँ पे आपका विषम संख्या हो गया और ये 7 भी विषम संख्या हो गया, तो इसे हम नहीं यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। नेक्स्ट वाले पे जैसे आते हैं तो नेक्स्ट वाले पे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका क्या है कि सम पहले विषम संख्या और फिर सम संख्या, यानी कि आपके जो संख्या है ये 4 हो जाएगी, 4 यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 4 ऐसे 3 हैं जिनके पहले सम संख्या आ रही है और बाद में विषम संख्याएँ आ रही हैं। तो आगे आपको देखते हैं, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे आपकी आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इसको कौन सी कंप्लीट करेगी। तो यहाँ पे आपकी जो आकृति है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो कि इस आकृति को कंप्लीट कर रही है। सो साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको देखने को मिल जाएगी लज्जित व्यक्ति के मुख पर, और यहाँ पे आपका रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद पूछ रहा है का भाव होता है, यहाँ पे कौन सी भरना है आपको। तो यहाँ पे जो लज्जित व्यक्ति होती है उनके मुख पर लज्जा होती है, आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 14वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो यहाँ पे दिया गया सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसे माना जाता है, यहाँ पे भी आपको खाली स्थान दिया गया है तो इसमें भरना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है ए अविवेकी, सेकंड दिया गया अपराधी, सी दिया गया दलाल और डी दिया गया आपका पापी। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर उसे अपराधी माना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको 15वें नंबर क्वेश्चन पे लाएँ तो 15वें नंबर क्वेश्चन पे आप आओगे तो यहाँ पे आपका पूछ रहा है समानार्थक शब्द, यानी संसार का यहाँ पे आपका समानार्थक शब्द पूछ रहा है। तो संसार का यहाँ पे समानार्थक शब्द यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर ए विश्व यहाँ पे आपका हो जाएगा समानार्थक शब्द। और नीचे आपको इस क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दिए गए शब्द का विलोम, यानी आपको अनुकूल का विलोम यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर बी समान दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी प्रसन्न है और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका प्रिय दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका विलोम होगा अनुकूल का विलोम यहाँ पे आपका प्रतिकूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और आइए आगे बात करते हैं, यहाँ पे निर्देश दिया गया है, निर्देश आपको पढ़ ले रहे हैं। दिया गया है 17 और 18 में दिए गए मुहावरे लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 4 विकल्प दिए गए, आपको मुहावरा और लोकोक्तियाँ दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन में। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि दिया गया है आ बैल मुझे मार, तो आ बैल मुझे मार का यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो बैल के पास पीटने को आना,
बैठे बिठाए मुसीबत मोल लेना, जबरदस्ती किसी के गले पड़ना, जानबूझकर दूसरे के काम में टांग अड़ाना। जैसे कि आप बैठे हो तो आप बैल मुझे मार, तो इसका अर्थ यहाँ पे आपका हो जाएगा बैठे हुए है मुसीबत मोल लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आगे जो आपका मुहावरा दिया गया है इसमें दिया गया है ठन ठन गोपाल, यानी कि ठन ठन गोपाल होना। तो ठन ठन गोपाल आप लोग बहुत सारे यदि गांव में क्षेत्र में रहे होंगे तो आपसे ज़रूर लोग मिलते होंगे कि बहुत ही ठन ठन गोपाल बन रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ठन ठन गोपाल का यहाँ पे जो अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से कंगाल यहाँ पे होता है, पूर्ण रूप से कंगाल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। और आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका मैथ यहाँ से ही स्टार्ट हो गई है, तो मैथ यहाँ पे आपका 19 नंबर में दिया गया है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है 1, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है 2, और सी जो आपका ऑप्शन है 0 है, और डी ऑप्शन यहाँ पे 7 दिया गया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वो 2 होती है। 2 ऐसी संख्या है जो आपकी सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य संख्या होती है, इसे आप याद रखेंगे। और यदि आपका आगे क्वेश्चन पे 20 नंबर पे आए तो -5 का अगला अंक आपसे पूछ रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे -6 लगा देंगे तुरंत बिना कुछ सोचे समझे। तो आपको बता दें जो -5 का अगला अंक यहाँ पे पूछ रहा है, यानी कि -6 आपका -5 से छोटा होता है, यानी कि वो पीछे का हो गया। तो अगला यदि पूछ रहा है तो आपका -4 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं 169, यहाँ पे 169 का वर्गमूल आपसे पूछा जा रहा है। 169 का वर्गमूल गाइस आपको बताते चलें, तो 169 का वर्गमूल आपका 13 होता है, तो 13 आपका यहाँ पे इसका वर्गमूल 13 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया गया है 464 पैसों को रुपयों में बदलने के लिए, तो यदि आप 464 रुपये को पैसों को रुपयों में बदलना है तो एक रुपये में आपका 100 पैसे होते हैं, तो इसी प्रकार आप 100 से इसे डिवाइड कर दोगे। तो 100 से डिवाइड आप करोगे तो जो आपका दशमलव है वो 2 अंक बाई राइट साइड से खिसक के 2 अंक, 2 संख्या के बाद आपका दशमलव आ जाएगा, तो यानी कि आपका 4.64 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आइए आगे बताते हैं जो क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे दिया गया यदि गेहूँ की एक बोरे का वजन, यदि गेहूँ की एक बोरे का वजन 7.45 किलोग्राम है, तो इसी प्रकार 30 बोरों का वजन आपसे पूछ रहा है। तो एक बोरे का वजन आपका 4.75 किलोग्राम है, तो 30 बोरों का वजन निकालने के लिए आपको 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 30 से अब आप 7.45 में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जो आने वाला है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, 223.5 किलोग्राम आपका आंसर आ जाएगा। सो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 24 दिया गया है आपका, यहाँ से मैथ स्टार्ट है, तो आप लोग कापी और कलम जरूर लेकर बैठ जाएगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे आपको लिखा देखने को मिल जाएगा 8:9 1:18, यानी आपका एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सभी को पता है कि मैं बता दूं कि फार्मूला एक होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है 8 यहाँ पे पहली संख्या हो गई, पहली गुणे चौथी ठीक है बराबर दूसरी गुणे तीसरी यहाँ पे होती है, यानी कि 8 × 18 इज इक्वल टू 9 × x। तो 9 का मल्टीप्लाई आप 9 में एक्स में करोगे, तो यानी कि जब एक्स को आप यहाँ पे पक्षांतर करोगे तो आपका 8 × 18/9 हो जाएगा यहाँ पे। तो 8/18 × 9 यहाँ पे साल में आप करोगे तो आपको 16 आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपको 16 मिल जाएगा। और गाइज आपको बता दें 25 नंबर क्वेश्चन पे आप आओगे तो इसे भी ध्यान से ज़रूर आप लोग सुने जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप स्टेप बाई स्टेप नोट करते जाइए, मैं स्टेप बाई स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको बता देता हूँ। एक संख्या अपने 5वें संख्या से 20 अधिक है तो वह संख्या क्या है। सो गाइस इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम उस संख्या को x मान लेंगे, और x मानने के बाद हम उसमें से जो उसका भाग है यानी कि x का 1/5 भाग, यानी x माइनस 1/5 जो है आपका यहाँ पे 20 दिया गया है, x माइनस x बटे 5 आप करोगे बराबर 20, तो आपका जो इधर वैल्यू आएगी 5x हो जाएगी, 5x - x/5 आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 20, 5x - 5/20 यानी कि 4x/5 इज इक्वल टू 20 आपका हो जाएगा। तो 4x बराबर आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, और x बराबर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 25 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। और 26 नंबर क्वेश्चन को आपको बता दें तो 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है मौसा दिया गया और लौसा दिया गया, और पहली संख्या दी गई है और दूसरी संख्या आपसे पूछ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा गुणे मौसा बटे पहली संख्या, तो आपका 16 × 160/32 करोगे तो आपकी जो वैल्यू यहाँ पे निकल के आने वाली है, तो 16 × 160/32 यहाँ पे आप कर लोगे, काट पीट करने के बाद जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी
सो गाइज आप लोग सॉल्व करना, जैसे कि आप 16 से काटोगे तो 16 दिन 32, और फिर से काटोगे तो आपका 80 आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। प्लस 200 गुड़े 4 और उसके बाद गुड़े में करके दिया गया कोष्टक में 3 गुड़े 5। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता है कि बोर्ड मास के नियम लगेंगे, तो पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट जो है यानी कि कोष्टक आप सॉल्व करोगे, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 5 + 2 यानी कि 700 आपका हो जाएगा ये, और ये 3 × 5 यानी कि आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 700 × 4 और गुणे में आपका 5 हो जाएगा। तो 700 का मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो यहाँ पे आपका 2800 हो जाएगा, और 2800 का मल्टीप्लाई यदि आप 5 में कर रहे हो तो आपका यहाँ पे 14000, जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दिया गया, एक व्यापारी ने एक घोड़ा 12000 रुपये में बेचा जिससे उसे 25% का लाभ हुआ, तो घोड़ा खरीदने में कितने में खरीदा था। तो यहाँ पे आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है, विक्रय मूल्य आपका दिया गया है, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत आपका दे दिया गया है, और आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप जैसे सभी को पता है फार्मूला यहाँ पे जो है आपका होता है, क्रय मूल्य बराबर जब लाभ दिया होता है तो आपका विक्रय मूल्य गुणे 100 / 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी आपका 12000 यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा बराबर गुणे 100 / आपका 125। तो 125 से आप कट करोगे इसे तो आपका समथिंग, ये किसके समथिंग में कटेगा, आपका 1400 यानी कि 2400 के समथिंग में कट जाएगा, और 2400 का आप मल्टीप्लाई करोगे 100 में 4 में 25 से यहाँ पे ऊपर कटा है 4 आए हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कुछ आंसर आपका 9600 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और नीचे आपका स्कूल लर्न करते हुए आना है लास्ट नंबर क्वेश्चन पे, तो ये भी मैथ का पोर्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो x बट 32 इज इक्वल टू 132/64 यहाँ पे दिया गया, x की वैल्यू यहाँ पे पूछ रही है, तो x की वैल्यू पूछ रही है, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आपके सामने जो आपका आंसर आएगा वो 66 ऑप्शन नंबर सी आपका 66 यहाँ पे आ जाएगा। सो गाइस यदि आप लोग चाहती हो कि आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स बिल्कुल भी आसान शब्दों में पढ़ाया जाए, तो मैं यहाँ पे बोर्ड के लिए आपको फेस कैम वीडियो, अगले वीडियो में आपको फेस कैम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता दूंगा कि आपका क्या क्या चीज़ें हैं। यदि आप इस वीडियो पे आप लोग 500 से ज़्यादा लाइक करते हो और 10000 से ज़्यादा व्यूज इस चैनल पे यदि आ जाता है इस वीडियो पे, तो मैं आपको अगला वीडियो जो है आपका एक एक क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगा किस प्रकार से आपके क्या चीज़ें पूछने वाली हैं, और चैप्टर वाइज यहाँ पे आपका मैथ करवा भी दूंगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा। सो गाइज इसी प्रकार का वीडियो और प्रैक्टिस सेट और ज़्यादा पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ताकि आपके लिए और भी आगे ऐसे ही वीडियोज और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाते जाए। सो गाइस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जिन लोगों को ने भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि सर CRPA पैरामेडिकल की एग्ज़ाम डेट बता दीजिए, तो CRPA पैरामेडिकल की कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। मैं बार बार आप लोगों से हर वीडियो में यही बताता हूँ कि कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं दी गई है, यदि कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो उस पर सबसे पहले मैं वीडियो बना दूंगा, और आप लोग परेशान ना हो, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तो आप लोगों को मैं सबसे पहले इस चैनल पे दूंगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को और ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो नॉलेजेबल फुल लगी होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार की आगे भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।